Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing. Hey guys, welcome back in another video. आज मैंने जो हमारा स्टॉर्म पेगासस था ये वाला, मैंने इसको रीडिज़ाइन किया है। इसको नीचे से हैवी बैरिंग, फिर एक लेयर मेटल, क्या कहते हैं, डिस्क, और उसके ऊपर फिर से एक और मेटल की लगा दी है मैंने। ये भी पूरा मेटल का है जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो अब हमारा पेगासस सबसे स्ट्रॉन्ग बेबलेट बन चुका है। और मेरे पास दूसरे वाला भी है जो मैंने हैवीएस्ट बनाया था। तो अभी देखते हैं इनमें से वेट, अभी भी इसी का ज़्यादा है वेट तो, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बेबलेट है। ये स्टेमिना टाइप है। इसका लॉन्चर का भी मैंने जुगाड़ कर दिया है लॉन्च करने का। अब अच्छे से लॉन्च होता है ये भी। और इसकी टिप के लिए मैं यूज़ करूँगा जो इंजेक्शन आते हैं, उस इंजेक्शन का रबड़ होता है, ये इसके अंदर डाल दूंगा और अच्छे से फिट हो जाता है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं निकलने का भी कोई चांस नहीं है। देख सकते हो पेगासस की लेयर थोड़ी अजीब सी है, ये सीधी नहीं बन पाई। फिर भी देखते हैं लॉन्च करके कैसा होता है। रबड़ टिप है ये, तो ख़तरनाक अटैक टाइप बनने वाला है हमारा पेगासस अगर अच्छे से लॉन्च हुआ तो। अभी मैं लॉन्च करके दिखाता हूँ आप सबको। सो है गाइस, अभी लॉन्च करने वाले हैं हम पेगासस को। तो आप देख सकते हो, मेरे को लगा था रबर टिप है तो स्टेमिना टाइप बनेगा, लेकिन ये तो कितना स्टेबल हो गया, एक ही जगह पे घूम रहा है बिल्कुल बिना हिले डुले। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप देख सकते हो एक ही जगह पे बिल्कुल बैलेंस बना के घूम रहे हैं और स्टेमिना खत्म हो गया। तो इसकी ये टिप मेरे को काटनी पड़ेगी शायद, तब जाके ये थोड़ा अटैक टाइप मोड में आएगा। अभी इसको फाइट करके देखते हैं इसकी किसी बेबलेट बर्स्ट वाले बेबलेट से। और इस बैरिंग वाले वेबलेट से भी लड़ाई करेंगे इसकी, तो भी लॉस लॉन्गिनस से फाइट करेंगे पेगासस की। इसको लॉन्च करना ही बड़ी महाभारत है। जैसे कि देख सकते हो पेगासस को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा और भाई साहब बर्स्ट हो गए। इसका रिबूट ड्राइवर डाल रखा है मैंने इसके अंदर, इसकी जगह इसका ओरिजिनल ड्राइवर लगाते हैं। तो मैंने ये वाला ड्राइवर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा ड्राइवर है ये भी। अभी इसको लॉन्च करते हैं। और ये लॉन्च ही नहीं हुआ भाई, क्या हो गया? ओके, तो हमारा बेबलेट फंस गया था स्ट्रिंग में। ओके गाइस, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, पेगासस का स्टेमिना पहले से ही खत्म हो गया था। अभी लॉन्च करते हैं एक बार और। पेगासस को बहुत खतरनाक टक्कर और पेगासस हार गया बेचारा। अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हार गया। एक बार और ट्राई करते हैं।
अटैक मोड में और मैंने बाउंड्रीज बना दी है स्टेडियम की, आप देख ही सकते हो। और इस बार तो कोई चांस नहीं लग रहा मेरे को जीतेगा ये, इस बार हमारा पेगासस जीत गया। और धीरे धीरे ये अटैक टाइप होता जा रहा है जब लॉन्च कर रहे हैं इसको। थोड़ा सा इसको मैं आगे से काट देता हूँ। तो अभी मैं लॉस्ट लॉन्गिनस को पहले लॉन्च करने वाला हूँ। और ये लॉन्च ही नहीं हुआ हमारा पेगासस, इनको लॉन्च करने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अरे ये क्या हो गया पेगासस सर्कस दिखाते हुए हमें। ओके सो हमारा बैरिंग नीचे चला गया, पता नहीं ढंग से फाइट। सो गाइस हमारे पेगासस का बैरिंग जो है वो नीचे जा रहा है बार बार, तो मुझे नहीं लगता फाइट हो पाएगी। पता नहीं ऊपर क्यों नहीं रह रहा ये। पहली बार ऊपर रहते हुए सुबह इसको फायदा नहीं है इस ट्रिप का, इसको मेरे को बदलना ही पड़ेगा, इसकी जगह कुछ और लगाएंगे हम। मैंने इसमें नट बोल्ट लगा दिया एक, और कुछ तो मेरे को मिल नहीं रहा था तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि कैसा लॉन्च होता है अभी, क्योंकि उससे तो बिल्कुल ही स्टेमिना नहीं आ रहा था इसका। अभी से देखते हैं क्या होता है। ये तो एक चक्कर भी नहीं दे पाया, उतरते ही मर गया। पहली टक्कर में बस्ट हो गया। तो इस बार तो इसका लॉन्च ही ढंग से नहीं हुआ। तो गाइस मुझे लग रहा है ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया हमारा पेगासस को हैवी बनाने का। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मुझे लग ही रहा था कि हम पेगासस को हैवी बनाने का कोई फायदा नहीं है, और हमारा पेगासस टूट गया। तो अभी मैं इसको वापस कार्डबोर्ड उसका आइसक्रीम स्टिक्स का ही बनाऊंगा, बाकी ये आइडिया तो खतरनाक था। और हाँ मैंने इस वाले के लिए अच्छा खासा लॉन्चर बना दिया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये लेफ्ट और राइट दोनों घुमा सकता हूँ अभी मैं इसको, और देख सकते हो आप खतरनाक तरीके से घूमता है और टक्कर होते ही खत्म हो जाएगा ये लॉन्गिनस, पहले ही खत्म हो गया, टक्कर हुई नहीं इसकी। तो इसकी टक्कर ही नहीं हो पाई बेचारे की, क्या ही करें। एक बार और करते हैं इसकी, रॉक टावर से करेंगे अभी।
रुकटोर के ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है। अभी हम गाइस जैक से करेंगे एक फाइट। तो आप देख ही सकते हो कि पहले स्टेमिना बिल्कुल नहीं था इसका, और अब ये स्टेमिना इसका कितना खतरनाक हो गया। इतने बेब्लेड लॉन्च कर दिए मैंने इसके सामने। ये हमारा सबसे हैवीएस्ट और सबसे खतरनाक बेब्लेड अब तक का। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।